अगर मैं 500 रुपये रोज कमाने वाला आदमी अगर प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाऊंगा तो मेरे तो 1800 रुपये दवाई में ऐसे ही चले जाएंगे। आपका 1 रुपया नहीं लगा? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सुविधा अच्छी है, पैसे नहीं लगते, दवाई वगैरह फ्री मिलती है सब। तो बीजेपी तो कहती है ये जो गारंटियां दे रही है अशोक गहलोत सरकार, इनके पास बजट में पैसा ही नहीं है। वसुंधरा राजे का कहना है कि ये तो जुमलेबाजी है, लोगों की एक जेब से पैसा निकाल के, जैसे बिजली हो गई, उन्होंने कहा 100 यूनिट मुफ्त बिजली का वो कहते हैं, पर फ्यूल सरचार्ज इतना बढ़ा दिया है तो एक जेब से पैसा निकाल रही है सरकार और दूसरी जेब में डालने का नाटक कर रही है, ऐसा बीजेपी ने कहा है। क्या आप इससे सहमत हैं? सर, जब इनकी राजस्थान में वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, जब इन्होंने फ्री बिजली का कोई समाधान नहीं दिया, ठीक है ना, अब जो ये कांग्रेस सरकार अशोक जी फ्री बिजली दे रहे हैं तो इनको ये बात हजम नहीं हो रही है। जोधपुर के शहर के विधानसभा क्षेत्र में और मेरे पीछे ऐतिहासिक क्लॉक टॉवर या घंटाघर को देखा जा सकता है। इसका निर्माण जोधपुर के सरदार सिंह ने दशकों पहले किया था और इसके आसपास कई दुकानें छोटी बड़ी मौजूद हैं जहां पर पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा, राजस्थानी आभूषणों की खरीद फरोख्त होती है, बेचा जाता है उनको। और यहां पर जो दुकानें हैं, स्ट्रीट सेलिंग भी यहां पर, स्ट्रीट मार्केट भी यहां पर लगाई जाती है और दूर दराज के इलाकों से यहां पर रोज़ाना सैकड़ों हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं जो कि यहां पर ख़रीदारी करते हैं, व्यापार करते हैं। आपको दिखाना चाहूँगा तमाम ये जो लोग हैं यहां पर, कई इनमें राजस्थानी पारंपरिक वेशभूषा में आप देख सकते हैं। कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे। जो माहौल है यहां पर चुनाव का एक माहौल है। यहाँ से कांग्रेस की मनीषा पवार मौजूदा विधायक हैं, उन्हीं को कांग्रेस ने टिकट भी दिया है। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण है जी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है आपको, क्या माहौल है सर? कांग्रेस आएगा और क्या है, कांग्रेस के देंगे हम तो वोट। कांग्रेस ने काम किया है राजस्थान में, बिल्कुल कांग्रेस आएगा ये। अच्छा, हमारे गाँव में भी कांग्रेस देगा ना। ये जोधपुर का शहरी क्षेत्र है, यहाँ पर क्या क्या दिक्कतें हैं ये बताएं। दिक्कत हम बाबू जी, माया तो हम दिक्कत की है नहीं, रोड बना दी, पानी लाइट घनी आवे और कहीं सुविधा, लाइट थोड़ी कटती है वो तो 10-15 मिनट कटती है वो फिर आ जाती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आपके साथ? हमारे कोई दिक्कत है नहीं जी। बेरोजगारी है यहाँ पर? बेरोजगारी बहुत लोग हो गए, बेरोजगारी तो कुछ तो होनी चाहिए ना, सब नौकरी किसको मिलती है, हम भी बेरोजगार हैं, हम भी बैठे हैं। आप खुद बेरोजगार हैं? हम भी बेरोजगार फिर रहे हैं, देख लो। आपको लगता नहीं कि बेरोजगारी, मत हो जी, कोई नौकरी खड़े देना हुए गए हमारे हाथ में, यहाँ पर हाथ में खाइए वो तो आप भी बताओ, हम देखते हैं अभी क्या है। तो आपका मानना है कि सरकार की इसमें भूमिका नहीं है? सरकार तो कांग्रेस आने वाली है और क्या है, हम वोट उसको देंगे हम। बीजेपी है कहीं टक्कर में, क्या लगता है आपको? कुछ है, कुछ है, है तो लगता जैसा है कुछ, तो कांग्रेस ही आएगा ना। क्या नाम है सर आपका? मनीषा। आप ही जोधपुर शहर के क्षेत्र से? तो यहाँ पर मनीषा पवार मौजूदा विधायक हैं, क्या लगता है बीजेपी उनको टक्कर दे पाएगी? पक्का ये टक्कर दे पाएगी, दे पाएगी टक्कर। कैसे? और उसका काम नहीं हुआ, सही काम नहीं किया उन्होंने। यहाँ काम हुआ है क्या लगता है पिछले 4-5 साल? नहीं हुआ। तो कांग्रेस की हार पक्की है क्या? टक्कर बराबर रहेगी तो ये इनका मानना है, टक्कर बराबर रहेगी। सर, क्या नाम है आपका? विनोद। विनोद जी, कहाँ से हैं आप? मैं जोधपुर से ही, यही शहरी क्षेत्र से ही है। तो पिछले 4-5 साल का जो कार्यकाल रहा मनीषा पवार का करीबन, उसको किस तरह से आंकलन करते हैं, क्या रिपोर्ट कार्ड कहती है आपकी? नहीं, काम अच्छा किया तो इस बार रिपीट होंगी वो? यस। और अगर राजस्थान की बात करें, क्या अशोक गहलोत रिपीट होंगे? अशोक जी तो काम के। सचिन पायलट भी मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं? नहीं, अभी अशोक जी है जब तक वो है, अगर अशोक जी नहीं होंगे जब तक सचिन पायलट, तब तक किसी और का चांस नहीं है जब तक अशोक गहलोत जी है। जादूगर हैं तो जादू चलेगा इस बार? इस बार 100%। तो राजस्थान में पिछले 25 साल में तो ऐसा नहीं हुआ कि सत्तारूढ़ पार्टी अपने आप को सरकार में रिपीट कर पाई हो, पर इनका कहना है कि जादू चलेगा। कई महिलाएं हैं पारंपरिक वेशभूषा में जोधपुर में, यहाँ पर जो जोधपुर शहरी क्षेत्र है। आंटी जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम रुकमा। तो यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं जोधपुर में, राजस्थान में, क्या लग रहा है, अशोक गहलोत की चलेगी या किसी और की? अशोक गहलोत की। यहाँ पर जो शहरी क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है ये, मनीषा पवार यहाँ से कांग्रेस की विधायिका हैं, क्या फिर से वही जीतेंगी या कोई और जीतेगा? वही जीतेगा अशोक गहलोत। तो आप यहाँ पर दुकान कब से लगाती आ रही हैं? हाँ, माने काफी टाइम होगा, 50 साल। 50 साल हो गया आपको? हाँ। तो क्या दिक्कतें आती हैं यहाँ पे ये बताओ। अच्छा, दिक्कत आती है बैठन घूम देवे, गरीब मन का 12 बजे आवा, 4 बजे पाछी चली जावा,
तो ये क्या क्या सामान आप वेशभूषा जो ये आभूषण जो है ये आप अपने पास रखे हुए हैं, लोग आते हैं दूर दराज से खरीदने के लिए? तो घड़िया खरीदना बैठन घूम देवे, बहुत दिक्कत होती है हमारे पास। कौन कौन हटने के लिए बोलता है, पुलिस वाले कहते हैं क्या? नहीं, निगम वाला। निगम वाले, अच्छा। बहुत परेशान करता है, ले जाता है माल, उठा के ले जाता है, उठा के ले जाता है। बहुत गरीब मनकान मान बहुत तंग करे। 3 साल या वो या था नहीं, वो लॉकडाउन उठू मारे बहुत गड़बड़ होया है। तो ये इनका कहना है कि निगम वाले तंग करते हैं। ये स्ट्रीट मार्केट जो है यहाँ पर जोधपुर की शहरी क्षेत्र में इन्होंने लगाई हुई है, अलग अलग दुकानें भी हैं, आप देख सकते हैं। जोधपुर का ये जो इलाका है, ये पुराना शहर जो है, जो दशकों पहले बसा था, वो वाला इलाका है। और यहाँ पर जो है लोग दूर दराज के इलाके से आते हैं। क्या नाम है सर आपका? याकूब अली। याकूब जी कहाँ, यहीं इसी क्षेत्र से हो? यहीं से है सर। तो क्या माहौल है, कांग्रेस एक बार जीतेगी फिर से या नहीं जीतेगी? कांग्रेस वापस आएगी एक बार, क्यों? मोदी जी 10 साल केंद्र में रह रहे हैं तो राजस्थान में अशोक जी को भी रहना जरूरी है। जो मेडिकल इन्होंने जो अभी फ्री किया है ना, गरीब आदमी का इससे रोज फायदा है, क्यों? 500 रुपये कमाने वाला आदमी अगर 500 रुपये रोज कमा रहा है, वो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल जाता है तो 300 रुपये आप मान के चलो नॉर्मल हॉस्पिटल में लगते हैं, उसके बाद दिल खराब होता है। अब जो अशोक जी ने मेडिकल सुविधा फ्री की है, 25 लाख रुपए का इलाज फ्री किया है। आपने खुद कोई फायदा लिया है उनकी सुविधाओं का, जो उन्होंने गारंटियां कही हैं, खुद आप अस्पताल जाकर उसका फायदा लेकर आए हो क्या? मैं अभी भी बच्ची को हॉस्पिटल से गया था, महिला बाग हॉस्पिटल है ये, गेट के बाहर निकल के राइट हैंड में सेटेलाइट हॉस्पिटल वहाँ गया था, बच्ची को दवाई दिला के लाया। 2 बार पहले मेरे को बुखार आया था, जब मैं भी गया था वहाँ से दवाई फ्री मिली है। अगर मैं 500 रुपये रोज कमाने वाला आदमी अगर प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाऊंगा तो मेरे तो 1800 रुपये दवाई में ऐसे ही चले जाएंगे। आपका 1 रुपया नहीं लगा? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सुविधा अच्छी है, पैसे नहीं लगते, दवाई वगैरह फ्री मिलती है सब। तो बीजेपी तो कहती है ये जो गारंटियां दे रही है अशोक गहलोत सरकार, इनके पास बजट में पैसा ही नहीं है। वसुंधरा राजे का कहना है कि ये तो जुमलेबाजी है, लोगों की एक जेब से पैसा निकाल के, जैसे बिजली हो गई, उन्होंने कहा 100 यूनिट मुफ्त बिजली का वो कहते हैं, पर फ्यूल सरचार्ज इतना बढ़ा दिया है, तो एक जेब से पैसा निकाल रही है सरकार और दूसरी जेब में डालने का नाटक कर रही है, ऐसा बीजेपी ने कहा है। क्या आप इससे सहमत हैं? सर जब इनकी राजस्थान में वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, जब इन्होंने फ्री बिजली का कोई समाधान नहीं दिया, ठीक है ना, अब जो ये कांग्रेस सरकार अशोक जी फ्री बिजली दे रहे हैं तो इनको ये बात हजम नहीं हो रही है कि अगर कांग्रेस सरकार गरीबों का भला करना चाहती है तो ये कोई ना कोई रोड़ा डालते। जब राजस्थान के अंदर इनकी वसुंधरा राजे हमारे मुख्यमंत्री थी, जब इन्होंने ऐसी कोई योजना ही नहीं निकाली, नहीं किसानों को कुछ किया, आज किसान को 2000 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। अगर वही 2000 यूनिट के पैसे लगे तो किसान तो आत्महत्या करेगा ना। आप क्या करते हैं, ताले बेचते हैं? हमारा ताले का कारोबार है। कैसा काम चल रहा है? अच्छा चल रहा है। खरीदारी होती है, बिक्री है यहाँ? हाँ चलता है, रोजी रोटी मिल जाती है। थोड़ा यहाँ के क्षेत्र के बारे में बताएं, घंटाघर के बारे में बताएं। क्लॉक टावर बहुत फेमस है यहाँ का, जोधपुर का प्रसिद्ध है बहुत ये। वैसे तो फोटो शूट में भी 1 नंबर पे चल रहा है, क्यों? जो नए कपल जो मैरिज करते हैं ना, वो सवेरे सुबह 7 बजे फोटो शूट के लिए आते हैं, उनको बहुत अच्छा मौका मिलता है। ये क्लॉक टावर हमारे हेरिटेज लुक में फेमस हो चुका है, आने वाले टाइम में ये पूरा हेरिटेज लुक से इसको संवारा जाएगा। और पब्लिक जैसे आपको मालूम पड़ा है ये हेरिटेज है, आप आए, आप अपनी न्यूज बना के स्टेडियर पे लगाओगे, जैसे गूगल पे इस पे चढ़ाओगे, फेसबुक पे, पूरी इंडिया देखती है। धन्यवाद याकूब जी बात करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं तरह तरह के लोग हैं, जगह जगह से जो छोटे दुकानदार हैं, बेचने वाले हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। घड़ियाँ बेच रहे हैं आप, कहाँ से हो आप? जोधपुर से ही हो आप? कहाँ से? एमपी। अच्छा, आप लोग एमपी से आए हैं, तो मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं? चुनाव तो होने वाले हैं। और आप लोग यहाँ पर हैं? अभी जाएंगे, कल जाएंगे गांव में। अच्छा, तो जोधपुर पहली बार आए हैं आप? नहीं, पहले के यार चुका हूँ। कैसा लगता है जोधपुर शहर? ये काम करने आते हैं यहाँ, बस मजदूरी करने के लिए आते हैं, मजदूरी करने आते हैं। तो मध्य प्रदेश से बेहतर है या नहीं? बेहतर है। यहाँ मजदूरी ज्यादा है, मजदूरी अच्छी मिल जाती है यहाँ पे। कहाँ का काम ज्यादा अच्छा है आपके साथ? जोधपुर का काम अच्छा लगा है। जोधपुर का काम अच्छा, यहाँ तो रोज मजदूरी मिल जाती है, अच्छी मिल जाती है। मध्य प्रदेश में क्या माहौल है? अभी तो मैं गए ना, 4 महीने हो गए मेरे, अभी तो गए नहीं गाँव में, अब जाऊंगा मैं। कहाँ से हो मध्य प्रदेश में? मंदसौर। मंदसौर से हो आप? तो वहाँ तो किसानों को लेकर बड़ा मुद्दा हुआ था। हाँ तो होता रहता, मैं 4 महीने तो बोले, 4 महीने से अभी ये जोधपुर में हूँ मैं, अभी गांव नहीं गया हूँ, अभी जाऊँगा। तो ये जोधपुर का क्लॉक टावर एक बार कैमरा पर्सन मनीष फिर से दिखाएं।
घंटाघर यहाँ का बेहद प्रसिद्ध, दशकों पुराना, जिसको जोधपुर के सरदार सिंह ने बनाया था। आप कुछ बात करना चाह रहे हो यहाँ, थोड़ा सा इधर आ जाओ। हमारा सरकार राजस्थान में सरकार थी अशोक जी ने हमारे लिए सबको धन्यवाद दिया। अशोक जी आने चाहिए हमारे राजस्थान में, अशोक जी आने चाहिए आपके हिसाब से। अच्छा, और क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बीकानेर से हूँ मैं, रमजान अली कोहरी नाम है। रमजान जी, गोरन प्रेस में अध्यक्ष रह चुका हूँ, एकीकरण महासंघ का। कहाँ, जोधपुर शहर से ही हो आप? नहीं नहीं, बीकानेर से। अच्छा, बीकानेर से हो आप। तो राजस्थान में आपको पता है 25 तारीख को चुनाव होने हैं, 25 तारीख को राजस्थान में चुनाव होने हैं, क्या लग रहा है कि जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है राजस्थान में अशोक गहलोत की, वो अपने आप को रिपीट कर पाएगी? इंशाल्लाह, अल्लाह चाहे तो, मतलब क्या है कि बड़ी पार्टी यही रहेगी, हो सकता है इसमें मतलब क्या है कि समर्थन जो है ना अन्य से लेना पड़े, लेकिन बड़ी पार्टी कांग्रेस ही रहेगी। कांग्रेस रहेगी। बीजेपी को किस तरह से देखते हैं, क्या लगता है बीजेपी में अंदरूनी कई चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, जिसकी वजह से कलेक्टिव बीजेपी फोर्स नहीं है वो? बीजेपी बड़ी पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है। बीजेपी में जो भावनाएं और नेताओं में जो मतलब क्या है कि गुटबाजी चल रही है और नेताओं के जो जोड़ झपट है, इसे मुझे लगता नहीं है कि बीजेपी अब आगे पनप पाएगी। बीजेपी का यही मतलब क्या है क्लोज हो जाएगा। तो ये इनका कहना है कि बीजेपी आगे इनको लगता नहीं पनप पाएगी। यहाँ पर क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासर। कहाँ से हो आप? यहीं से ही जो क्षेत्र से हो आप जी। क्या दिक्कतें हैं यहाँ पर, लोगों की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सब कुछ ठीक है? सब बढ़िया। पानी की कोई दिक्कत नहीं है? कांग्रेस की सरकार कहती है कि ERCP लागू नहीं हुई है 13 जिलों में, हालांकि वो पूर्वी जिलों की बात करती है, पर यहाँ पर क्या कुछ समस्याएं पानी को लेकर हैं, बिजली को लेकर है? कुछ समस्या नहीं है। तो एक बार कांग्रेस फिर से आ रही है यहाँ पर? बिल्कुल, गारंटी। पवार ने काम किया है इस क्षेत्र में, बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, और इस क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा बताओ। क्लॉक टावर यहाँ पे बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है, कितने सालों से आप रह रहे हो यहाँ पे? मेरी तो पैदाइश ही यहीं की है। लोग बहुत दूर से आते हैं इसको देखने के लिए? हाँ, सब दूर से आते हैं, ऑल इंडिया से आते हैं। पर राजस्थान में पिछले 20-25 सालों में सत्तारूढ़ पार्टी रिपीट नहीं हो पाई है, क्या लगता है इस बार होगा ऐसा? नहीं होगी। सरकार कांग्रेस की नहीं बनेगी आपका मतलब? बनेगी बनेगी, कांग्रेस की बनेगी, कांग्रेस की बनेगी। तो वही तो सत्तारूढ़ पार्टी है। हाँ, चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दुकानदार हैं, कुछ एक दो लोगों से और बात करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर आए हुए हैं, बात करने का इनका मन नहीं है, देखते हैं कुछ और लोग से। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते। आप कब से ये दुकान पर बैठ रहे हैं? 50 साल पुरानी दुकान, हम बैठे हैं यहाँ पे 15-20 साल से। 15-20 साल से। तो राजस्थान में जोधपुर में चुनाव होने वाले हैं, क्या यहाँ पर एक बार फिर से कांग्रेस जीतेगी? कांग्रेस ही आएगी, बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा विकास किया है। अशोक कमी रह गई है क्या, कुछ लगता है आपको? हम तो यही चाहते हैं अशोक गहलोत वापस सरकार आए कांग्रेस। जोधपुर शहर का क्या लग रहा है यहाँ से? मनीषा पवार लग रहा है, सब बहुत अच्छा हुआ है, ऐसा काम किसी ने नहीं किया पूरी लाइफ में, कभी किसी ने ऐसा काम नहीं किया। अच्छा, तो ये चूड़ियों का काम है आपका? तो ये आप देख सकते हैं पारंपरिक राजस्थानी चूड़ियाँ, राजस्थानी आभूषण, ये इसका काम है इनका। और छोटे बड़े दुकानदार यहाँ पर आसपास कई हैं। सर आपका क्या नाम है, थोड़ा सा अगर आगे आ जाए? मोहम्मद यासिन। यासिन साहब, क्या लग रहा है आपको, आपको भी लगता है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी या फिर कुछ अलग होगा? वन साइड आएंगे अशोक गहलोत। राजस्थान में पिछले 25 साल में ऐसा हुआ नहीं है सर कि जो सत्तारूढ़ पार्टी वो रिपीट हो जाए? रिपीट हो गई है, पूरा काम हो रहा है, विकास हो रहा है, मेडिकल को लेके सब चीज़ें हो रही है। मनीष सवार ने बहुत अच्छा काम किया है, ये घंटाघर पूरा हेरिटेज कर दिया है। अभी 7 गारंटियों की बात करते हैं अशोक गहलोत, कांग्रेस सरकार, क्या वो गारंटियां मिली हैं आपको? मिलेगी, गारंटी मिलेगी वापस, मिलेगी आपको। तो थोड़ा सा आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? मैं तो आया ना अभी। अच्छा, आपका क्या नाम है? संतोष, आया सूरतगढ़ से। आ रहे क्या? सूरतगढ़ से आए हैं आप? तो सूरतगढ़ में क्या माहौल है राजस्थान में, क्या गहलोत एक बार फिर से आएंगे कि नहीं आएंगे? देखो, गहलोत ओसी, बीजेपी ओसी, ओसी जो कोई अपोर्ट सब रेडी है, वो नहीं के सही नहीं है क्या भैया? आपके मन की क्या बात है वो नहीं बता रहे आप? हम देखो, हम हमारी मन की तो हम अंगूठा लगाओ जब भी पता चलेगा, नहीं क्या? और गहलोत साहब ने काम किया है पिछले 4 साल में?
करंट तो लाग रहा है, देवे है कण कोई भी देवे, मसाला दिया फिर बंद कर लिया, मोबाइल किन्नी को मिल गया, हमारे को तो मिल गया नहीं, फिर भी देखेंगे हम तो अंगूठा लगाएगा। नाराज चल रहे हो आप अशोक के लोग? नाराज नहीं चल रहे, हम तो मोबाइल नहीं मिला, अंगूठा लगाएंगे, बटन दबाएंगे, ठीक है ना, बिना नहीं देगा वोट अंगूठा। तो आप, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि सूरतगढ़ में, राजस्थान में अशोक गहलोत ने काम किया है कि नहीं किया? भाई काम तो हम घर का पता नहीं है, बाहर नहीं जाता है, हम हमारे को पता नहीं है क्या बाहर आए हुए जोधपुर में होता है क्या नहीं होता, हमारे को पता नहीं है, हम तो घर पे रहता, बाहर जाऊँ तभी पता चले। तो ये आप देख सकते हैं, ये आप ही की फोटो है मोहम्मद साहब, ये आप देख सकते हैं कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की फोटो है इनके पिताजी के साथ। पापा का नाम है नजीर नियाज। अच्छा, 20 साल पुरानी है ये? 40 साल पुरानी है। और कहाँ की है ये? हमारे नौरे की है, विकास किया तो नौरे में। आपके घर पर आए थे वो? हमारे नौरे में, न्याती नौरा। तो बेहद पुरानी फोटो, इनका कहना है कि ये कुछ और ये लोग हैं जो कि बात करना चाहते हैं। ये भी राजस्थान के ही है, इनसे लो। आपसे क्यों ना बात करें? अरे इनसे करो आप। क्या नाम है भाई साहब आपका? हाँ जी, खुशहाल सिंह राठौड़, सूरतगढ़ से। अच्छा, आप भी सूरतगढ़ से आए हुए हैं? सूरतगढ़ से। अच्छा, तो जोधपुर आते रहते हैं? हाँ, जोधपुर कई बार आवा सर, जोधपुर ही हमारे राजस्थान है, सिरमौर जोधपुर जो है बहुत ही खुशे हैं। तो हमारे महिला मंडल शादी के कारण से भात का था, उसको सामान खरीदने के लिए आए हुए हैं। तो चुनावी डिस्कशन में रुचि रखते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, चुनावी मैं खुद। क्या लग रहा है आपको राजस्थान में? पूर्व पार्षद, राजस्थान में बीजेपी सरकार आएगी। अच्छा, मोदी जी, बीजेपी की तरफ से पार्षद रहे हैं आप? हाँ जी हाँ, बीजेपी की तरफ से पार्षद रहा हूँ, हमारे मिसेज भी रहे हैं। और क्या मोदी क्या बोल रहे थे? हाँ जी, मोदी जी आएंगे भारत में, राष्ट्रीय हित के लिए हमारे मोदी जी को लाना बहुत आवश्यक है। नरेंद्र जी मोदी जी, मोदी जी तो आए हुए हैं, मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री। आगामी जो 2024 उसके लिए मोदी जी आवश्यक, राजस्थान में बीजेपी सरकार डबल इंजन की सरकार जब बनेगी तो हमारा राष्ट्र उच्च शक्तियों पर जाएगा। तो हम चाहते हैं, और हमारे साथ जो सारे हैं, ये राष्ट्र हित में हम चाहते हैं कि हमारे नरेंद्र भाई जी मोदी जी जो है। तो डबल इंजन की सरकार से क्या मतलब है? क्या सरकार राजस्थान में जैसे बीजेपी सरकार होगी, ऊपर भी सरकार होगी, तो एक काम बड़ा अच्छे चैनल से चलेगा है हर। तो यूपी में, मध्य प्रदेश में हो रहा है वैसा? बिल्कुल 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 हो रहा है साहब, सभी आप देखो इतना माहौल बढ़िया है कि आप, मैं बता नहीं सकता। पर मुख्य मध्य प्रदेश में तो लोग कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी है। नहीं नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंटी इनकम्बेंसी ये तो बनाई हुई भाषाएं हैं। वाकई जनरल जी जो लोगों ने, जनता ने अपने मन के अंदर धारण कर रखा है, उन्होंने ये धारण कर रखा है कि मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही आएगी और वही सरकार बनेगी। राष्ट्रीय हित में सर्वप्रिय, अगर देश को आगे बढ़ाना है, भारत को सर्वप्रिय बनाना है। चलिए तो ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू बात करने के लिए। तो ये तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, कुछ लोग बाहर से हैं, सूरतगढ़ से हैं, जोधपुर के कई लोग हैं, पर आप देख सकते हैं माहौल क्या है और लोगों की राय क्या है, वो कुछ लोगों से हमने जानने की कोशिश की है। कुछ जो छोटे दुकानदार हैं उनका कहना है कि दिक्कतें बहुत हैं, परेशानियां बहुत हैं, पर जोधपुर का ये जो शहरी इलाका है ये वाइब्रेंट है, यहाँ पर लोगों में जज्बा है, लोगों में चुनाव के लेके रुचि है, और जहाँ हम गए हैं लोगों से जो बातचीत की है उनका मानना है कि जो भी सरकार आए वो यहाँ के लोगों के लिए काम करे, यहाँ के उत्थान के लिए काम करे, यहाँ के विकास के लिए काम करे, और कोशिश ये होनी चाहिए कि राजनीतिक द्वेष के बिना, अगर केंद्र में कोई बीजेपी की सरकार है और राजस्थान में जो सरकार है भले ही वो किसी भी पार्टी की हो, एक समन्वय और एक सामंजस्य के साथ दोनों को काम करना चाहिए ताकि प्रदेश के, ज़िले के लोगों के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए काम हो।